तलखी साफ दिखाई दे रही है इस महिला की तरफ से जिन्होंने ये आरोप लगाए। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और कुमार विश्वास की तरह पार्टी ने भी पूरे मामले में मीडिया को जी भर कर कोसा। प्रमाणहीन, तथ्यहीन खबरें बढ़ा चढ़ा के दिखाई और चलाई जा रही हैं और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आशीष खेतान के बारे में बगैर किसी प्रमाण के पेड न्यूज छापने की खबर चला दी गई। कुमार विश्वास के एक मेल को लेकर खबर चला दी गई जिसका दूर दूर तक कोई प्रमाण और सबूत नहीं था। मेरे बारे में चार दिन तक मीडिया में खबर चलाई गई आसिफ मोहम्मद खान के हवाले से जिसका कोई सबूत और प्रमाण नहीं था। और अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है मीडिया के मित्रों से, अगर हम कहीं गलत हैं हमारी अग्नि परीक्षा लीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं गलत है हमारे बारे में रोजाना खबरें चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे परिवार बहुत पीड़ित होते हैं इस प्रकार के निराधार और तथ्यहीन प्रमाणहीन खबरों को चलाने से। हमारी पत्नियां, बच्चे, उनको, हमारे जो करीबी जानने वाले हैं उनको बख्श दीजिए। आम आदमी पार्टी को अगर कहीं से कोई टारगेट करने की सोची समझी रणनीति चल रही है तो उसका हिस्सा आप मत बनिए। कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो, खबर चलाइए, लेकिन बगैर प्रमाण के कोई खबर ऐसी मत मनगढ़ंत चलाइए जिसमें कहा कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जिस महिला का मामला आज सुबह से इतना तूल दिया जा रहा है, उस महिला ने स्वयं 31 मार्च को डिप्टी कमिश्नर पुलिस अपराध दिल्ली को एक कंप्लेंट की जिसमें चार लोगों के नाम उसने खुद अंकित किए हैं, लिखे हैं अपनी एप्लीकेशन में। 31 मार्च 2015 की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको अगर कहेंगे तो हम FIR की कॉपी उपलब्ध करा देंगे। और उन चार लोगों के बारे में उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसको बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में निराधार और गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये आरोप है उस महिला का। उसके बाद उसने महिला आयोग में शिकायत की। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। बावजूद इसके उस खबर को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कहीं कोई अवैध संबंध का मामला उजागर हो गया हो।